मेरा नाम असगरी है, मैं उन बच्चों की माँ हूँ जो दो बच्चे ख़त्म हुए हासिम आमिर कि मेरे बच्चे आ रहे थे वहाँ से, मार दिए दंगाइयों ने, और क्या करें, उसकी वजह से परेशान है, सहारा नहीं। कितनी उम्र रही होगी बच्चे? एक की 30 साल है, एक की 19 साल है। कैसे ये सब हुआ जरा बता भाई? आ रहे थे नानी के यहाँ से, देख के आने के बाद मैं रास्ते में आ रहे 5 मिनट 26 फरवरी को, अभी 1 साल हो गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी किसी तरह की नहीं हुई है। कैसे क्या हो रहा होगा क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। घर में कमाने वाले कोई एक वो सहारे वाले कोई भी नहीं, एक लड़का 20 साल का, फैमिली ज़्यादा है, बच्चा ये छोटा है, क्या करेगा? किस तरह गुजारा आप लोग कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं गुजारा भाई, राशन मिल जाता है, राशन से थोड़ा सा कुछ अपने 2-2.5 हज़ार रुपये बच्चा कमा लाता है बस। मुआवजा वगैरह बस मिला? एक ही जगह से मिला और कुछ नहीं मिला। कितना मुआवजा? वही 10 लाख मिले थे, 10 लाख कै दिन के ही बताओ, कै दिन के 10 लाख। अभी आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहती हूँ कहीं वो हो, बाप जैसे अटैक के मरीज हैं, बच्चे भी साधन नहीं है, या तो इस बहू को नौकरी मिल जाए या इस छोटे लड़के को नौकरी मिल जाए तो अपने साधन हो, या हमें ही मिल जाए बुढ़ापे में कोई ऐसी चीज़ जो मेरे बच्चों के पारस कर ले। ऐसी कोई उम्मीद लग रही है आपको अभी तक? नहीं अभी तो देखो कोई उम्मीद नहीं, आगे अल्लाह मालिक है, देखो अभी तो कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा। 1 साल हो गई याद नहीं आएगी बच्चों की, भैया हमारे बच्चों की याद ये दिन रात के पल पल में पल पल गए, बच्चे अभी मासूम है, इसे क्या पता, मासूम बच्ची है, इसे क्या पता मेरा बाप कहाँ है, तो किल्लाती रहे मेरे पापा पापा, क्या करें, इतना ही साथ है। सरकार से कोई उम्मीद? अभी तो कोई उम्मीद ना लग रही भैया, ये मैं अल्लाह इसीलिए तो मांग कर रहे हैं इनके आगे, हमें कुछ अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, अपने दाल रोटी गुजर बसर जैसा भी है।